मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से इस्तेमाई ज्यादती, चार रोज गुजर गए, दरिंदे अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर। वजीर आजम, वजीर आला, वजीर कानून, आईजी पंजाब के नोटिसेस बेसूद। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी, पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। खोजियों की मदद से जायवकुआ के खिलाफ 5 किलोमीटर का इलाका चेक कर लिया गया। आईजी पंजाब को जल्द मुलजिमों तक पहुंचने की उम्मीद। खातून से इस्तेमाई ज्यादती की तहकीकात कहां तक पहुंची? सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, डीजी पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। कमेटी 3 रोज में वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। मरियम नवाज पर कातिलाना हमला किया गया, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वोट को इज्जत देना पड़ेगी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के पेशे पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा। आरआई के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। कायदे आजम, तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना की आज 72वीं बरसी। पूरी कौम का कायदे आजम को सलाम। सदर मुमलकत, गवर्नर और वजीर आला सिंध की मजार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। बिलावल भुट्टो जरदारी का बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश। कहा, कायदे आजम के वियन से इन्हिराफ करने वाले बाज आ जाएं। एक मुल्क और दो कानून वाला रुझान इंतहाई खतरनाक है। पीपल्स पार्टी कायदे आजम के नजरिए की अलमबरदार बनी रहेगी। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद से कोयटा रवाना। वजीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वजरा से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को बारिशों से नुकसान, रिलीफ, तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज की धमकियों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं। सियासी मुखालिफीन एपीसी करते रहेंगे, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तहरीक इंसाफ, आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू। पीआईए में गैर कानूनी भर्तियों का केस, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी, साबिक सीईओ मुशरफ रसूल और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। साबिक खातून अव्वल कुलसूम नवाज को बिछड़े 2 बरस हो गए। कैंसर से तवील जंग लड़ते लड़ते लंदन में इंतकाल हुआ। परवेज मुशरफ हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। नवाज शरीफ की नाहली के बाद इलेक्शन जीता। बेगम कुलसुम नवाज को खैराज अकीदत पेश करने के लिए पंजाब। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश। शाम को मानसहरा, मलाकंद, शांगला, चित्राल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का नया चेयरमैन कौन? एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास, इंतखाब आलम और सलीम यूसुफ के नामों पर गौर। अगले हफ्ते ऐलान मतवक्के। और हसन अब्दाल में ख्वाजा रहीमुद्दीन चिश्ती के 73वें उर्स के तकरीबा का आगाज। मुल्क भर से जायरीन की आमद।